लेकिन सत्ता में भागीदारी के लिए सभी लोगों को, विशेषकर जो है एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को, इन सबको जिनका हक छीना गया है, इनको इकट्ठा किया जाएगा ताकि सत्ता में इनकी भागीदारी, सरकार ऐसी बने जो सरकार लोगों के विश्वास पर खरी उतरे और जो लोगों से जो वादा करे वो वादे पूरे करे। सो उनसे जो काम लिया जा रहा है, और उनको कहा गया था कि कच्चों को पक्का करेंगे, आज तक पक्का नहीं किया गया। 20 साल 25 साल अरे कितना साल काम कराओगे जो आप उन्हें पक्का नहीं कर सकते, और ये जरा सी देर का काम है। आपको कानून में जरा सा बदलाव करना है और कर देना। सरकार कहती है साहब केंद्र सरकार नहीं करने दे रही। अरे आप तो अपनी नियत दिखाओ ना, आपके पास में 70 में से इतना बड़ा बहुमत है, 62-63 आपके पास वो है विधायक, तो आप विधानसभा में तो प्रस्ताव लेके आओ, विधानसभा में तो कानून बना के लेके आओ। अगर एलजी नहीं करता तब बताओ ना लोगों को कि हम तो करना चाह रहे हैं, नहीं करें। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। देखिए ये जो कार्यक्रम है ये वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन इस समय इसको दिल्ली को फोकस करके ये कार्यक्रम किया जा रहा है। राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा कई सामाजिक संगठनों और कई पार्टियों का एक संगठन है। वैसे ये राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा एक तरह से सामाजिक संगठन है, और जो पॉलिटिकल पार्टीज जो चुनाव लड़ना चाहती हैं वो एक विचारधारा, उस विचारधारा को जिसमें शोषित पीड़ित लोग, वंचित लोग, जिनके हक अधिकार और जिनकी भागीदारी इस सत्ता में जिस तरह से होनी चाहिए नहीं हुई, शासन प्रशासन में जिस तरह से होनी चाहिए थी नहीं हुई, उस सबको सुनिश्चित करने के लिए ये एक बड़ा मोर्चा बनाया गया है। इसमें क्यों पड़ गई? देखिए इसलिए आवश्यकता पड़ गई कि जितनी भी पार्टियां हैं जो सत्ता में रही हैं, उन्होंने शोषित पीड़ित वंचित समाज को, या यूं कहो कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज को, इनकी वोटें तो ली, लेकिन इनका जो हक है, इनकी जो भागीदारी है, इनकी जो हिस्सेदारी है, वो इन्हें आज तक नहीं दी। सारे के सारे केवल और केवल इनको मूर्ख बनाते रहे, इनका अपने जीत के लिए केवल इस्तेमाल करते रहे, इसलिए इसकी आवश्यकता हुई। और सबने मिलकर बहुत सोच समझ के, काफी विचार विमर्श के बाद में ये मोर्चा बनाया, और ये तय किया कि मोर्चा अपने स्तर पर सामाजिक रहेगा, लेकिन सत्ता में भागीदारी के लिए सभी लोगों को, विशेषकर जो है एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को, इन सबको जिनका हक छीना गया है, इनको इकट्ठा किया जाएगा ताकि सत्ता में इनकी भागीदारी हो सके। ये तो केजरीवाल सरकार के माने क्रियाकलापों से समाज संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, केजरीवाल के कलाप क्या है, क्रियाकलाप क्या है? केजरीवाल के कोई क्रियाकलाप नहीं है। केजरीवाल ने जितने वादे इस दिल्ली की जनता से किए, उतने वादे जो है पूरे नहीं किए। केवल एक दो चीज आप मान लें कि आपने बिजली फ्री दे दी, आपने पानी फ्री दे दिया, महिलाओं के बसों में चलने का फ्री दे दिया, क्या इसी से जिंदगी कट जाती है? इसके अलावा बहुत सी चीज है। केजरीवाल बताएं कि शिक्षा पे क्या काम किया, तो वो कहेंगे फटाक से हमने देखो शिक्षा में इतने बड़े स्कूलों में इतना बदलाव किया, बिल्डिंगें बढ़िया बना देने से, फर्नीचर बढ़िया रख देने से शिक्षा में बदलाव नहीं होता। आप बेसिक रूप में बताइए कि शिक्षा में जो आपने काम किया उसमें जो प्राइवेट कॉलेज में स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे थे, कितने बच्चे, कितने लाख बच्चे आपके इन सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए आए, उसका जो बेसिक जो शिक्षा का स्तर है उसमें कितना सुधार हुआ वो कहीं नहीं बताएंगे आप। तो और बाकी जो आपने मोहल्ला क्लिनिक की बात करी, 1000 मोहल्ला क्लिनिक की बात करी, 500 में ही अटक के रह गए, और उनमें भी बहुत सी दवाइयां आज की तारीख में नहीं मिलती। पहले बहुत सारे टेस्ट होते थे, अब वो टेस्ट भी खत्म कर दिए गए। और इसके भी ज्यादा जो सबसे बड़ी बात है कि जो एससी सब प्लान यानी शेड्यूल कास्ट सब प्लान का पैसा था, वो पैसा जो पूरे समय से लेके आप इनकी जो 10 साल की सरकार है, इसमें लगभग 60,000 करोड़ के लगभग जो वो पैसा है, वो पैसा कहां गया? उस पैसे का हिसाब कहां है? क्या ये जो रेवड़ी दी जा रही है, फ्री बिजली फ्री पानी, क्या उसी पैसे में से दिया जा रहा? यस, उसी में से दिया जा रहा। तो इसलिए एक सरकार ऐसी बने जो सरकार लोगों के विश्वास पर खरी उतरे और जो लोगों से जो वादा करे वो वादे पूरे करे। अब आप देखिए जो प्लान, मास्टर प्लान बना हुआ है, मास्टर प्लान 2025 का भी लागू नहीं हुआ, और मास्टर प्लान जो 2047 का 41 का बना के रखा हुआ, मास्टर प्लान आपने क्यों लागू नहीं किया? आपको क्या दिक्कत है? मास्टर प्लान आपको लागू करना चाहिए ताकि किसानों को उनकी जमीनों का उचित मुआवजा मिल सके। आज की तारीख में जो जमीन है
आप सरकार दे रही है उसको 50 लाख, जमीन की कीमत जो है करोड़ों में है और सरकार 50 लाख दे रही है, यानी कि आप किसान को ही ठग रहे हो, किसान के साथ ही धोखा दे रहे हो। कांग्रेस तो इन वर्गों की बात कर रही है, तो फिर नया मोर्चे की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, किसान कांग्रेस बात कर रही है, पर कांग्रेस ने क्या काम किया? क्या अगर कांग्रेस काम करती तो क्या ये सत्ता से बाहर हो जाती? कांग्रेस नहीं किया तभी सत्ता से बाहर हुई है ना, या और भी कोई पार्टियां हैं क्या ये वो काम कर रही है? नहीं काम कर रही है, किसी हालत में काम नहीं कर रही है। जैसे मैं आप केजरीवाल की बात करूं या और आपको कांग्रेस की भी बात बताऊंगा, केजरीवाल ने ये कहा कि जो कच्चे कर्मचारी हैं पक्का करेंगे हम लोग, अभी सारे जो कच्चे कर्मचारी विशेषकर सफाई कर्मचारी जितने भी हैं दिल्ली के और एमसीडी के जो, हम उन लोगों से बात कर रहे हैं, 20-20, 25-25 साल हो गए उन्हें काम करते हुए, और जितना काम उसके लिए निश्चित है उससे भी 3 गुना तक काम उनसे लिया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है, मैक्सिमम अनपढ़ लोग हैं। सो उनसे जो काम लिया जा रहा है, और उनको कहा गया था कि कच्चों को पक्का करेंगे, आज तक पक्का नहीं किया गया, 20 साल 25 साल, अरे कितना साल काम कराओगे जो आप उन्हें पक्का नहीं कर सकते? और ये जरा सी देर का काम है, आपको कानून में जरा सा बदलाव करना है और कर देना। सरकार कहती है साहब केंद्र सरकार नहीं करने दे रही, अरे आप तो अपनी नीयत दिखाओ ना, आपके पास में 70 में से इतना बड़ा बहुमत है, 62-63 आपके पास वो है विधायक, तो आप विधानसभा में तो प्रस्ताव लेके आओ, विधानसभा में तो कानून बनाने के लिए आओ, अगर एलजी नहीं करता तब बताओ ना लोगों को कि हम तो करना चाह रहे हैं, नहीं करें 10 साल में आप ये नहीं कर सकते कच्चों को पक्का और वादा करने के बाद तो कब करेंगे? केजरीवाल ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा हटाएंगे, ठेकेदारी प्रथा को पूरी तरह से बंद करेंगे, हटाया क्या? यहां तक कि जिस शिक्षा की बात करते हैं, जिस शिक्षा में 60,000 के लगभग जो टीचर्स हैं उनमें से 22,000 से ज्यादा तो केवल और केवल गेस्ट टीचर हैं, टीचर भी गेस्ट टीचर होता, यानी कच्चे हैं वो, कच्चे कर्मचारी हैं, आप उनको पक्का कीजिए। एजुकेशन एक भागीदारी मोर्चा इस काम को करेगी, निश्चित रूप से करेगा, ये हमारे एजेंडे में शामिल है कि जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं सरकारी विभाग में, किसी भी में हो, चाहे एमसीडी में हो, एनडीएमसी में हो या किसी में भी हो, उन सबको पक्का किया जाएगा। नंबर दो, ठेका प्रथा पूरी तरह से बंद की जाएगी, और जिस तरह से सरकार ने जो काम उन्हें करने चाहिए थे नहीं किए, वो सारे काम किए जाएंगे। एक और बात, ईवीएम से चुनाव पूरी तरह से बंद हो, इसको लेकर हम लोग जबरदस्त तरीके से 10 तारीख को इसका ऐलान होगा कि ईवीएम को खत्म करने के लिए किस तरह से पूरे देश में आंदोलन चलेगा, केवल दिल्ली में नहीं पूरे देश में किस तरह से आंदोलन चलेगा। 10 दिसंबर को भागीदारी मोर्चा के अंतर्गत तालकटोरा स्टेडियम में जो बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा उसमें इसका बाकायदा अनाउंस होगा। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हम लोग करेंगे। तो 10 दिसंबर की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सरकार को सिर्फ धमकाने या वाकई भागीदारी मोर्चा के बैनर तले एक नया अभियान छेड़ने? नहीं, सरकार को धमकाने की बात नहीं है, सरकार को हटाने की बात है, पूरी तरह से सफाया करेंगे इन सरकारों का जिन्होंने इस देश की जनता का, दिल्ली की जनता का, शोषित पीड़ित समाज का शोषण ही किया है, उन सबको हटाएंगे, सत्ता से हटाने की तैयारी है, केवल धमकाने की बात नहीं है।